उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में महिलाओं से चेन स्नैचिंग करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया चेन स्नैचर स्कूटी पर सवार होकर पैदल चलने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। पुलिस ने उसके पास से 4 मंगलसूत्र और अन्य माल बरामद किया है। एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी ने बताया, महानगर में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए थानेदारों को निर्देश दिए गए थे। चैकिंग के दौरान महू रानीपुरा तिराहे से थाना प्रेमनगर के हंसारी निवासी आशाराम को पकड़ा है। उसके पास से महिलाओं से लूटा गया माल, मंगलसूत्र और तमंचा कारतूस भी मिले हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वे महिलाओं को शिकार बनाकर उनके गले से जंजीर छीनकर भाग जाता था। इसका मोडस ऑपरेंडी अपराध करने का तरीका यह पता चला कि इसके द्वारा अकेले ही एक स्कूटी पे सवार होकर के उन महिलाओं से जो मंदिरों से वापस आ रही हैं या घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं, अकेली पा करके गलियों के अंत में चेन छीन के भाग जाता था, उसको बेच देता था। ये दो ढाई साल से इसने घटनाएं करना स्वीकार किया है। अभी तक 7 अभियोगों का अनावरण हो चुका है और इसके कब्जे से तमंचा और कई सोने की चेनें, जिसका विवरण आपको प्रेस नोट में दिया गया है, बरामद हुए हैं। इसकी कॉल डिटेल्स के आधार पर और देखा जा रहा है कि इन्होंने और क्या क्या अपराध किए हैं, उनका भी अनावरण इस क्रम में किया जाएगा।